Hi friends, this is Lakshman, your DESS coach. एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हमने पूरा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट कोर्स हमने सीख लिया है, राइट? यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा हंसिए भी, ठीक है, यस। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, सभी ने कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल का सेटअप यहाँ पर आज इन्होंने खुद से किया है, राइट? यस और नो? यस। ऑल राइट, तो इन्होंने जो सेटअप किया हुआ है वो उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाले, मैं एक एक उनको टास्क देने वाला हूँ। जिस तरीके से हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा उसी तरीके से आज मैं इनको एक एक टास्क दूंगा, वो एक एक टास्क परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि वो फंक्शन क्या होता है, राइट? तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मली एक एक को बुलाऊंगा, शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई टास्क दिया, लेट से DFO, ठीक है, तो आप लोगों को समझाना है DFO क्या होता है, शॉर्ट में समझाना है, ठीक है, हमारे ऑडियंस को, और फिर वो टास्क परफॉर्म करके हमें वहां पर उनको दिखाना है। ऑल राइट, तो चलते हैं हमारे लैब के ऊपर और वहां पर हम प्रैक्टिकली इनको एक टास्क देते और आगे बढ़ते। ऑल राइट, तो एक बार मैं यहाँ पर सेटअप के ऊपर ओवरव्यू कराना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा मेन एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क बेस्ड कंट्रोलर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक EM लॉक लगाया है जो हमारे स्टूडेंट ने इंस्टॉल किया है, और ये नॉर्मल EM लॉक नहीं है, ये एक फीडबैक EM लॉक है जिसके अंदर इन्होंने एक बजर को भी कनेक्ट किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने मैग्नेटिक सेंसर भी इंस्टॉल किया है। उसके बाद में हमारे रीडर्स है जो इन और आउट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर जो रीडर है ये हमारा इन के लिए है, और यहाँ पर जो रीडर है हमारा आउट के लिए काम करेगा। और अल्टीमेटली हमने इस पूरे के पूरे कंट्रोलर को हमने नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमारे राउटर से अल्टीमेटली कनेक्टेड है, एंड विद द हेल्प ऑफ द IP एड्रेस हम इसको लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करेंगे। और पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ एक एक टास्क परफॉर्म करवा के। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले स्टूडेंट को, ठीक है, तो विश्वकर्मा जी आप पहले आइए यहाँ पर। ऑल राइट, तो ये हमें बताएंगे, मैं इनको एक टास्क दूंगा, ठीक है, आपको हमें करके दिखाना है एंटी पासबैक सिस्टम। पहले आप समझाइए एंटी पासबैक सिस्टम क्या होता है, जो भी है लंबा। एंटी पासबैक सिस्टम मतलब जैसे भी मैं डोर क्रॉस कर रहा हूँ तो उसके बाद मैंने इन कर लिया, तो मैं अपना कार्ड जो है एग्जिट कार्ड वो मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ, वो दूंगा तो वो उस डोर से वो एग्जिट मतलब इन नहीं हो पाएगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि सिंपल है, एक बार इन होने के बाद में दोबारा उसी कार्ड से इन नहीं होगा जब तक कि वो कार्ड से आपका आउट नहीं होगा। तो वन टाइम इन, जब आउट करोगे तो अगेन फिर से आप इन कर सकते हो, तो वन टाइम इन एंड देन आउट। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है एंटी पासबैक सिस्टम, ठीक है। तो ये हमको प्रैक्टिकली आप करके दिखाइए हमारे ऑडियंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं सेटअप यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सेटअप स्टार्ट हो गया है, राइट? ये सारे डोर्स ग्रीन हो गए, ठीक है, सारे डोर ग्रीन हो गए मतलब हमारा सेटअप कंप्लीट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंटी पासबैक सिस्टम को एक्टिवेट करना है। करिए, तो ये डोर वन पे आपको एक्टिवेट करना है, यस। तो पहले इन्होंने राइट क्लिक किया, टाइम जोन पे गए, उसके बाद में आप कहाँ पर जा रहे हो, डोर टाइम वन पे जा रहे हैं, यस। एनेबल एंटी, यस, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं एनेबल एंटी पासबैक सिस्टम, ठीक है, उसको एनेबल कर दीजिए, यस, ओके कर दीजिए। फिर मुझे यहाँ पे जाके इसे अपडेट पैरामीटर करना है। ऑल राइट, और डाउनलोड कार्ड करना है। ऑल राइट, ग्रेट, फंटेस्टिक। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंप्लीटली एंटी पासबैक सिस्टम को इन्होंने अपडेट किया, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, बट इससे पहले मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा ताकि वो यहां पर कार्ड ऐड करके हमको दिखा सके, क्योंकि अभी क्या है, इन्होंने सिर्फ सिस्टम के ऊपर जो एक्शन है वो अभी अप्लाई किया है, लेकिन कार्ड डिटेल मैंने अभी रिसेंटली इसको डिलीट किया ताकि आप लोगों को ये बेसिक से बता सकूं। ऑल राइट, ठीक है, आप बैठ जाइए वहां पर, यस। तो अब कार्ड को ऐड करने के लिए, ठीक है, मैं किसी और व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा, तो मिश्रा जी आप आ जाइए और कार्ड को कैसे ऐड करते हैं वो हमारे ऑडियंस को दिखाइए। न्यू कार्ड कैसे जनरेट करते हैं वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। माउस भी आप ऑपरेट कर सकते हो, yes. पहले हम कार्ड होल्डर पे गए, यस, इस पे हम राइट क्लिक किए, ओके, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, यस, न्यू पे, न्यू पे जैसे मैं वन कर दिया, यूजर नंबर वन, महेश कर दिया, yes. ये आपने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, उसके बाद ओके कर दिया, yes. अभी फिर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं,
और अथॉरिटी देते हैं। यस। उसके बाद अप्लाई, डोर वन पे क्लिक किए। ओके। क्योंकि हमारा डोर वन ही लगा अभी। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके। तो ये कार्ड आपको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐड करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा उसके बाद में? यहाँ पर अभी नहीं, नहीं आपको यहाँ पर कार्ड होल्डर पे जाइए, आप भूल रहे हो, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इशू कार्ड पे जाना। यस, तो यहाँ पर आपको क्या करना, अभी देखो कार्ड का नंबर यहाँ पर नहीं है, राइट, तो हमको क्या करना है, हमारे पास में एक RFID कार्ड होना चाहिए, ठीक है, इसे प्रॉक्सिमिटी कार्ड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कार्ड को वहां पर लेकर जाके पंच करना है रीडर के ऊपर। Yes. तो जैसे इन्होंने रीडर के ऊपर पंच किया, अब वहां पर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक कार्ड का जो डेटा है, नंबर है, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, आगे प्रोसीड करिए। चलिए यस, अपडेट पैरामीटर, डाउनलोड कार्ड डेटा, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑसम। अभी क्या करो आप, अभी आप आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पर पंच करके दिखाइए कि अभी आपको, हमें सिर्फ पहले इतना चेक करना है कि पंच करने से डोर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए पंच करने से फिर क्या हुआ, हमारा डोर अब ये ओपन हो रहा है, यानी कि कार्ड प्रॉपर तरीके से ऐड हो गया है, ठीक है। अब रही बात एंटी पासबैक की, ठीक है, तो एंटी पासबैक का टास्क करने के लिए मैं अगेन विश्वकर्मा जी को बुलाऊंगा, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये कार्ड इन्होंने ऐड किया है, आपको क्या करना है, आपको एंटी पासबैक सिस्टम जो आपने सेटिंग अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, वो सेटिंग सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, आप अपना टास्क परफॉर्म करके दिखाइए। चलिए यस, तो ये हो गया, एक्चुअली देखोगे तो वापस इन नहीं ले रहा है, ठीक है। जैसे इन्होंने आए यहाँ पर, सबसे पहले इन पे पंच कर रहे हैं, देखिए नहीं खुल रहा है, क्योंकि जब तक मैं आउट नहीं करूंगा तब तक वापस से दोबारा इन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये आउट होने के बाद में अब मैं वापस से इन करने वाला हूँ, राइट, जैसे अभी आप, ये लॉक होने में 10 सेकेंड्स लेता है, ठीक है, तो इसके टाइमिंग को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली हमने देखा, ठीक है। अब वापस से आप उनको इन और आउट पंच करके दिखाइए, ये इन हुआ, जब इन पंच होने के बाद में अब वापस से अगर मान के चलिए दरवाजे में कोई गैप है, किसी ने कार्ड नीचे से पास कर लिया, उसने बोला कि अपने दोस्त को कि भाई तुम भी आ जाओ, तो ऐसे सिचुएशन पर अगर वो इन पे पंच करेगा तभी भी डोर हमारा ओपन नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो ये नहीं ओपन हो रहा है, मतलब जब तक मैं आउट नहीं करूंगा तब तक अगेन वापस से इन नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, सेटिंग को एंटी पासबैक सिस्टम, ठीक है। यस, बैठ जाइए। ऑलराइट, तो अब हम हमारे दूसरे स्टूडेंट को बुलाएंगे और उन्हें दूसरा टास्क देंगे जो वो परफॉर्म करके हमें दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो रोशन जी आप यहाँ पर आइए। तो ये हमें DFO, मैं इनको एक टास्क दूंगा, डोर फोर्सली ओपन, ठीक है। तो ये टास्क कैसे करोगे आप दिखाइए ऑडियंस को। यस, तो डोर के ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको थोड़ा बोलना भी है। इसमें जाएंगे एडिट पैरामीटर में। ओके। और यहाँ पे आएगा डोर अलार्म करके। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलार्म आउटपुट, तो आउटपुट में हमेशा आपको डोर अलार्म पर आपको क्या करना है, इसको टिक करना है। यस, ओके कर दीजिए। पैरामीटर अपडेट करना। यस, कोई भी टास्क चेंज करो तो पैरामीटर आपको अपडेट करना है। ऑल राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर डोर फोर्सली ओपन क्या होता है, मतलब आप थोड़ा सा समझा सकते हो डोर फोर्स ओपन का मतलब क्या होता है? जैसे ही डोर को कोई जबरदस्ती ओपन कर रहा है वैसे ही बजर या अलार्म लगा रहा है, जो भी बजने लगेगा। ग्रेट, फंटास्टिक। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारे डोर को अगर कोई जोर जबरदस्ती से अगर धक्का मार के खोल भी लेता है किसी कारणवश, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, हमें अलार्म जनरेट होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर आप, हमने क्या लगाया हुआ है, मैग्नेटिक सेंसर, ठीक है। तो अगर डोर के ऊपर मैग्नेटिक सेंसर लगाए तो ही डोर फोर्स ओपन या डोर ओपन टू लॉन्ग ये आपका काम करेगा, क्योंकि पैनल को भी समझना है, ठीक है, उसे भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट सेंसर लगाना पड़ेगा जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक सेंसर। तो इस जैसे ही आप डोर को जोर से धक्का मारोगे, उसे फोर्सली ओपन करोगे, तो ये सेंसर क्या होगा आपका, डिस्टर्ब होगा, राइट। तो इसको क्या करना है, मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ जानबूझ के, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ही आके करिए, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यस, इसको जैसे ही हटाएंगे बजने लगेगा। ऑलराइट, तो देख सकते हो देख सकते हो किस तरीके से हमारा डोर फोर्स ओपन ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इवन अब हम तीसरे व्यक्ति को बुलाएंगे और उनसे हम कुछ टास्क परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, आप बैठ जाइए।
ऑल राइट, तो अभी मैं आप दूसरे हमारे स्टूडेंट को बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अफसार अली जी, आप यहाँ पर आइए और आपको मैं कुछ पूछना चाहूँगा। पहले तो हमने ये बजर क्यों लगाया है? सर, बजर इसलिए लगाया कि अगर लॉक सर किसी ने जबरदस्ती खोला या फिर ज़्यादा देर तक रुक गया, डोर ओपन बंद नहीं हुआ, इसके वजह से ये बजर फिर बजने लगेगा। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ने जोर से जबरदस्ती धक्का मारा तो ये बजर बजेगा। तो क्या हम नॉर्मल ईएम लॉक के अंदर बजर लगा सकते हैं? नॉर्मल ईएम लॉक के लिए नहीं लग सकता है, इसके लिए फीडबैक ईएम लॉक लेना पड़ेगा जिसमें हम बजर कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ईएम लॉक में उसका कनेक्शन का पॉइंट नहीं रहता है। यस, तो कौन सा कनेक्शन नहीं होता है? रिले। रिले ठीक है, नहीं yes, तो यहाँ पर आपको एडिशनल रिले टर्मिनल मिलता है जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल कोई भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो बिटवीन 12 वोल्ट। ठीक है, यस। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ये वर्क कैसे करेगा? ठीक है, तो बजर वाला आप कुछ प्रैक्टिकल शो करके दिखा सकते हो? ठीक है, जैसे DOTL, जैसे आप पंच करके डोर को ओपन ही करके रखो तो बजर बजेगा कि नहीं बजेगा, वो परफॉर्म करके दिखाइए। यस, जैसे कि डोर ज़्यादा देर तक खुला, जैसे कि हम लोग मैंने सेंसर कनेक्ट किया है इसमें, अगर हम लोग सेंसर ज़्यादा दूर तक रख देंगे तो जिससे डोर ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से मालूम चल जाएगा कि डोर खुला ही रह गया है, इनके ऐसा भी हो सकता है। फिर से कनेक्ट करें तो मोटर बंद। यस, नहीं देखिए, ये जो आपने अभी सेंसर को डिस्टर्ब किया है, ठीक है, ये हमारा DFO वर्क कर रहा है, ठीक है, डोर फोर्सली ओपन। ठीक है, तो मुझे डोर ओपन टू लॉन्ग के प्रोसेस को सिखाना है लोगों को। तो डोर ओपन टू लॉन्ग तब होगा जब आप उसको ऑथोराइज लॉग इन करोगे, यानी कि आपको क्या करना है, ये लीजिए, आप कार्ड से वहां पर पंच करिए। यस, जैसे ही आपने इसको पंच किया, ठीक है, तो ये डोर अपना ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको खुला ही छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको खुला छोड़ दोगे, ठीक है, तो अभी फीडबैक ईएम लॉक पे यहां पर रेड लाइट जलेगा। ये देखिए बजर बज रहा है हमारा, बस यही शो करना है कि बजर इसलिए है क्योंकि अभी जो नियर बाय जो भी हमारे व्यक्ति होंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे, उनका ध्यान चला जाएगा कि यार डोर किसी ने खुला छोड़ा है, तो वो अलर्ट के लिए हम यहाँ पर बजर लगा रहे हैं। जैसे ही हम इसको बंद करेंगे ऑटोमेटिकली बैक टू नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन हो गया, दैट मीन्स कि हमारा लॉक जो है वो कम्प्लीटली क्लोज है। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सेस लोगे तो हमारा जो लाइट है वो टोटली क्या हो जाएगा, उतने टाइम के लिए कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि पावर कट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो यही चीज करना है। तो अभी आपने प्रैक्टिकल में भी किया था तो अभी क्यों नहीं कर पाए? यस, भूल गए थे। ठीक है, बैठिए। ऑलराइट, तो देखा आप सभी लोगों ने किस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने एक एक टास्क को परफॉर्म करके दिखाया। अच्छा, अगर आप में से कोई भी जन प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मल्टी डोर का जो सिस्टम हमारा कंट्रोलर होता है, इसको आप अगर सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, ठीक है, तो आप स्किल मुंबई को ज्वाइन कर सकते हो। इवन हम स्टैंड अलोन सिस्टम के ऊपर भी सिखाते हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मल बायोमेट्रिक होता है जिसके अंदर टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जो होता है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, शिफ्ट कैसे बनाना है, रूल्स कैसे बनाने, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिकल कोर्स कराते। अगर आप मुंबई में नहीं आ सकते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट, जहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, उसके ऊपर बैठे बैठे आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे नॉलेजेस को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मुंबई से हो, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप यहां पर आके प्रैक्टिकली चीजों को सीखिए, और अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, इवन हमारे पास में हाइब्रिड मॉडल भी है, अगर आप जानना चाहते हो हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन पे दे रहा हूँ, इवन डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और पूरा हाइब्रिड मॉडल को जानिए, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन सेम मिलता है जिसके अंदर आपका थियोरेटिकली इवन आपका प्रैक्टिकली दोनों ही ट्रेनिंग्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट इवेंट, बाय बाय।